हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का नंदनीस किचन में। आज हम आपके लिए एक ऑथेंटिक बंगाली रेसिपी के साथ आए हैं। तो आज हम बनाएंगे कातला माचर कालिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमें कातला माचर कालिया बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे 4 से 5 पीस अच्छे से वॉश किया हुआ कतला फिश ले लिया है। इसके बाद हमने एक बड़ा प्याज ले लिया है जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने एक मीडियम साइज प्याज ले लिया है जिसे हमने जूलियंस में कट कर लिए हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक मीडियम साइज टमाटर ले लिया है जिसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा अदरक और 3 से 4 हरे मिर्चे। अब मसालों में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून किशमिश के, 3 टेबलस्पून दही जिसे हमने अच्छे से फैट लिया है। अब साबुत मसालों में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून जीरा, 3 से 4 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, 2 से 3 सूखे मिर्च, ये आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 2 तेज पत्ते। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे जिसके लिए हमने रफली चॉप प्याज ले लिया है और अदरक के पीसेस ले लिए हैं। देखिए हमारा पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार हो गया है और ये कितना स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हुआ है। देखिए मैं आपको इसे चम्मच से दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें फिश को मैरिनेट करना है जिसके लिए हमने उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक। अब हम इसे अच्छे तरीके से एक बार मिला देते हैं ताकि हल्दी और नमक की कोटिंग हमारे फिश के चारों ओर लग जाए। अब हम इसे 10 से 15 मिनट का एक मैरिनेशन टाइम देंगे। देखिए हमें 15 मिनट हो गए हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 5 से 6 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देंगे। हमें यहाँ पे फिश को शैलो फ्राई करना है जिसके लिए हमें ऑयल बहुत ही ज्यादा गर्म चाहिए। देखिए अब हमारा तेल अच्छा गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके फिश डाल देंगे। देखिए अब हमने सारे फिश कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट तक हिलाना नहीं है, इसे इसी तरीके से पकने देना है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। इस प्रोसेस के दौरान हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखना है। देखिए हमें 3 मिनट हो गए हैं। अब हम एक एक करके अपने फिश के पीसेस को पलट लेंगे। देखिए ये एक तरफ से कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हुए हैं। अब दूसरे साइड से भी हम इसे 3 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए टोटल 6 से 7 मिनट में हमारे फिश दोनों साइड से अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर हो गए हैं। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेते हैं। अब हमने सारे फिश के पीसेस को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम पैन ले लिया है जिसमें हमने फिश फ्राई किया था। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे। तेल और घी हल्का गर्म होते ही हम इसमें जूलियंस में कटे हुए प्याज डाल देंगे। हमें यहाँ पे प्याज का फ्राई करके रेडी करना है। देखिए हमें 7 से 8 मिनट का समय हो गया है और हमारे प्याज अच्छे क्रिस्प गोल्डन ब्राउन कलर हो गए हैं। अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं। अब उसी तेल में हम एक एक करके अपने खड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमने तेज पत्ता डाल दिया है। अब इसके बाद हम दालचीनी डाल देंगे। इसके बाद लौंग, इसके बाद इलायची, जीरा,
और ये सूखे मिर्च। अब हम सभी चीजों को एक मिनट के लिए पका लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें प्याज का पेस्ट डाल देते हैं जो हमने बनाया था। अब हम सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिलाते हुए पकाएंगे जब तक हमारे प्याज में एक हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। हमें प्याज को पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और इसमें एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन भी कलर आ गया है। अब हम इसमें एक एक करके अपने मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद जीरा पाउडर, इसके बाद धनिया पाउडर और इसके बाद फिर नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब सभी चीजों को हम एक बार अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। अब हम इसमें हरे मिर्च डाल देंगे जिसे हमने बीच से काट लिया था। अब हम सभी चीजों को एक बार फिर से अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। इसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे जिसे हमने अच्छे से फैट लिया था। अब हमें मसालों को अच्छे तरीके से भूनना है लो फ्लेम पे, जब तक तेल ग्रेवी से अलग ना हो जाए। अगर आपको लगे आपकी ग्रेवी ड्राई हो गई है तो आप इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें अपने टमाटर जिसे हमने क्यूब्स में कट करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला देते हैं। अब हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने देंगे। देखिए 3 मिनट हो गए हैं और तेल ग्रेवी से अलग होने लगा है। इसका मतलब है हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे। यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसके बाद हम इसमें 1 कप गर्म पानी डाल देंगे। जैसे ही हमारी ग्रेवी में एक उबाल आ जाए हम इसमें एक एक करके अपने मछली के पीसेस डाल देंगे जिसे हमने फ्राई करके रखा था। अब हमने सभी मछली के पीसेस को ग्रेवी में डाल दिया है। अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। देखिए हमें 10 मिनट हो गए हैं और हमारा कतला माछिर कालिया बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमने जो प्याज के जूलियंस को फ्राई करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट का स्टैंडिंग टाइम देंगे। देखिए हमें 10 मिनट हो गए हैं और कितना बढ़िया कलर आया है इसमें। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा कतला माछिर कालिया बन के बिल्कुल तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व करें, ये आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप भी दीजिए इस रेसिपी को एक ट्राई और अपने कमेंट्स और सजेशंस हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए एंजॉय।